Hey guys, welcome back to the channel, Pawar Brothers. तो कैसे हो सब? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे. मैं बहुत बढ़िया हूँ. कति भाई ओके की रिपोर्ट है. तो दोस्तों आज क्या प्रोग्राम है? फिर सबसे पहले तो आपको एक बैड न्यूज दे दूँ यार. कल ना मतलब आज ही 10,000 रुपए का चालान कट गया भाई. फिर से काले शीशे के ऊपर. इस बार तो भाई ये वाला तो शीशा काला नहीं था, बस पीछे वाले शीशे काले थे. पर क्या करे यार, गलत बात है यार. ऐसमत काटक रहे यार पुलिस वाले. मतलब जो चोर हो, डाकू हो, डकैत तो उनके काटक रहे यार. हम शरीफ आदमी के क्यों काटे? तो हम गाड़ी के शीशे काले सिर्फ और सिर्फ लुक के लिए करते कि गाड़ी मलूक लगती है इन शीशों में, इस वजह से. और कोई अनदर रीजन बिल्कुल नहीं. कोई हम चोर लगते हैं यार सकल से. कुछ दाढ़ी तो बढ़ा रखी है यार. कोई बात नहीं, छोड़ो इस बात को. तो दोस्तों अब क्या सीन है? आज यार पूरे मतलब 5-6 महीने बाद अपने ट्रैक्टर पे मॉडिफिकेशन हुई है. और मॉडिफिकेशन ऐसी करवा दी है मतलब ना तुम्हारा जो मेरे दोस्त है, मेरे प्यारे भाई हैं, उनका ना दिल खुश हो जाएगा ऐसी मॉडिफिकेशन देख के. हैं तो क्या है क्या नहीं है वो तो आपने पहले बता दी थी कि म्यूजिक सिस्टम का है सीन. तो सिर्फ और सिर्फ म्यूजिक सिस्टम के कारण ना हम ट्रैक्टर को चला भी नहीं रहे थे इतने दिनों से, और आज मौका मिला. और मतलब भाई एक्साइटमेंट पूरी हुई पड़ी है. मतलब ना यार मेरा ऐसा सीन है कि जैसे कभी गाड़ी का काम हो या फिर ट्रैक्टर वगैरह में कोई मॉडिफिकेशन का काम हो ना, एक नेक्स्ट लेवल की एक्साइटमेंट सी रहती है मन में ना कि यार कल ये आएगा, कल वो आएगा. अब जैसे पजर रुक लिए, मैंने कुछ और चीजें मंगा रखी हैं. राम राम जी. पजर रुक लिए कुछ और चीजें मंगा ली, तो उनमें अब ऐसा रहता है कि यार कल आ जाए, जल्दी आ जाए, जल्दी आ जाए, समझ रहे हो. तो इतना प्यार है अपनी चीजों से. तो बस अब मैं जा रहा हूँ गुड़गांव सागर भाई के पास. वहां से लेकर आते हैं ट्रैक्टर को और तुम्हें दिखाता हूँ कि क्या काम करवाया, क्या सीन करवाया. तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा, बने रहना ब्लॉग में. बाय 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 नहीं, चलते हैं ठीक है. और भाई एक चीज और, जब से मैंने गोट का बूस्टर लगवाया ना भाई साहब, गाड़ी जहाज बना रखी है, जहाज. गाइस आ चुके हम अपनी जो शॉप है उस पे. अब मैं आपको दिखाता हूँ ट्रैक्टर कि क्या करवाया. ये देखो भाई, सुना भाई ठीक हो? ये भाई पेटी लगवाई है इसमें 6 वूफर की, जिसकी हमारे मतलब बहुत ज्यादा कमी थी. अब बन गया मामला एक नंबर. कैसी लुक आ रही है कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ भाई साहब. बहुत जेन्युइन चीज लग रही है. इस पे ब्लैक पेंट करवाया पूरे बम्पर पे ओरिजिनल वाला, क्योंकि वो हमारा वाला खराब हो गया था. हाँ भाई तगड़े लग रहे ये तो है छोटू. चलो भाई मिलते हैं थोड़ी देर बाद. भाई इस साइड अपनी जो थार है वो कंप्लीट वॉश करा दी है. और अब मैं आपको बता दूं स्कॉर्पियो के, भाई ये वाले टायर बड़े प्यारे लग रहे हैं. स्कॉर्पियो पे दिल आ गया आज, अच्छी लग रही है कुल मिला के ना. और भाई इस पे अपने जो काली वो है टेपिंग करवा दी. टेपिंग कह रहा हूँ भाई, क्या कहे इससे, लेदर, काला लेदर करवा दिया. अब बिल्कुल साफ कंडीशन में आ रहा है एक नंबर. और आगे से आपको फ्रंट दिखा देता हूँ. और तगड़े रिएक्शन तो आपको देखने को मिल ही जाएंगे. मतलब ना हैंग कर दिया, हैंग हैंग हैंग. अब मैं आपको बता दूं कि क्या क्या चीज़ हमने कराई है. 1, 2, 4, 6 तो वूफर लगवाए, 4 स्पीकर लगवाए ठीक है ना. और काम ऐसा कर दिया कि मतलब यार क्या चीज़ कर रहे हो या भाई ने सारी मेहनत करी है हमारे ने. भाई खेत दे मीटर है बाकी. भाई यही है HR 26 कार कस्टम. ये मतलब गुड़गांव एरिया में भाई हमारा काम ऐसा पहली बार हुआ है ना. तो हर छोटे से छोटे काम के लिए सब लोग सोचते हैं कि ट्रैक्टर लेके पंजाब जाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ. लेकिन सेम पंजाब जैसी चीजें अब अपने गुड़गांव में भी होने लगी है. किसी भाई को अपने ट्रैक्टर में करवाना है तो मेरे थ्रू आ जाओ, बेशक कोई दिक्कत नहीं है. ये रहा भाई का नंबर है यहाँ पे और वो इंस्टा आईडी है ये रही ठीक है ना. तो कोई दिक्कत ना, मिलता हूँ थोड़ी देर बाद. तो गाइस अब मेन बात आती है बिल की. ये भाई ने हमारे ने बिल बनाया है वो पर 30,000, 9,000, 20,000, 8,000, 18,000, 5,000 मतलब कुल मिला के सारा कुछ हो गया 109,500 रुपये में. बहुत महंगा कर दिया यार, पर मतलब चीज बनाई है यार. चीज भी तो लगवाई भाई, जैसे अपना लोकल सारा पायनियर का भी है इसमें. हाँ. पायनियर के होल लगे, पायनियर के बूफर लगे, पायनियर का स्पीकर लगा है. हाँ. पूरा कंप्लीट पायनियर का. अगर इसमें चाइनीज में जाते हैं तो भाई यही काम आपका 50,000 में हो जाएगा लोकल में. हाँ, अगर आप लोकल लोकल करा, पर उसका कोई फायदा ना है. फायदा नहीं है, हर दूसरे दिन आपकी वही दिक्कत आएगी. और आप इसमें बता रहे वारंटी भी है, वो क्या सीन है? वारंटी भाई 1 साल की वारंटी है बूफर की. हाँ. अपने
स्टीरियो की हाँ और ओवल की। एक साल तक कैसी भी कोई दिक्कत हो तो कोई दिक्कत। अब यूँ होता जैसे मेरे जैसे भाई जिनके पास ट्रैक्टर है, अब मैं आपको पहले कहानी बताऊं कि भाई मैंने ना भाई के पास ऐसे ही फोन कर दिया था कि यार मेरे को स्पीकर लगवाना, तो इसने भी एक बार मना ना करी कि ना होएगा, तो मतलब ये चीज कैसे दिमाग में आएगी कर दूंगा ट्रैक्टर का काम। देखो आप आपके ऊपर मेरे को इतना पता था कि आप जल्दबाजी करोगे हाँ। और जो कोई बंदा इसलिए मना कर देते हैं हम ट्रैक्टर की हाँ। वो छोड़ते हैं तो फिर कहते हैं भाई इतना टाइम कैसे लग गया, ये लग गया। मैंने आपको एक बार बोला था भाई टाइम लगेगा हाँ। आपने बोला कितना टाइम ले लो हाँ, पर चीज होनी चाहिए, चीज होनी चाहिए हाँ। तो मैंने कहा था भाई हो जाएगा, क्योंकि भाई सोचने में समझने में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, उसमें टाइम लग जाए। मतलब सेम डिटो जो पंजाब में चीज है ना, भगवान की दुआ से आज अपने गुड़गांव में वही चीज आ गई है। पहले नंबर पर सागर है, इसने अपना ट्रैक्टर का, क्योंकि अब तक जो भी हमने काम करवाया ना सारी चीज मतलब यहाँ तो कुछ अवेलेबल ही ना भाई, ट्रैक्टर का बहुत कम होता है ना के बराबर है, गाड़िया का सारा करते हैं अब। लेकिन हमारे यहाँ पे ट्रैक्टर का शौक बहुत हो रहा है, पलवल साइड लोग जा रहे हैं कटवा का आ जावा भाई, कुछ भी पेटी ना रहे 20-25 हजार की कुट का आ जावा, तो भाई थोड़े से रुपए की बात है, थोड़ा सा तुम खर्च कर लोगे तो काम ओके निमट में आ जाएगा, ठीक है ना। हाँ अगर मतलब जैसे मैंने 6 लगवाए तुम 2 भी लगवा सकते हो, हर चीज अवेलेबल है। हाँ 2 तो लगने चाहिए, दो लगवाते। तो मैं लोकेशन एड्रेस वगैरह नंबर भाई के नीचे डाल दूंगा, जिस भी भाई को कोई भी ट्रैक्टर से रिलेटेड काम करवाना है तो आ जाए और करवा दे, कोई दिक्कत ना कैसी भी। राम राम सभी भाइयों को। तो दोस्तों आप सब लोगों को और मुझे बड़ा इंतजार था कि यार अपने ट्रैक्टर में म्यूजिक सिस्टम लगे। तो अब फाइनली हमने अपने ट्रैक्टर का म्यूजिक सिस्टम अपग्रेड करवा लिया, और वो भी पंजाब ना भाई, पंजाब पलवल ना अपने गुड़गांव के अंदर सागर के पास HR 26 कार कस्टम्स के पास करवाया भाई। मैं कह रहा हूँ एंड लेवल चीज बना दिया है। और भाई अपनी शॉप कहाँ पे पड़ती है भाई? अपनी शॉप एक अपनी कापा सेड़ा बॉर्डर में पड़ती है, दूसरी मानेसर पड़ती है, ठीक है ना। जिस भी भाई को ट्रैक्टर का गाड़ियों को तो खैर होता ही है यहाँ पे काम, लेकिन जो ट्रैक्टर के शौकीन है जिनमें मतलब अब पलवल साइड जाके तुम लुट रहे हो, मैं माँ कसम भाई सच बता रहा हूँ, गुड़गांव आओ भाई के पास आओ, कम रेट में बेस्ट से बेस्ट चीज मिलेगी। अब आप एक बार ट्रैक्टर। सो गाइस अब मैं आया हूँ अपने फोर व्हील्स पे, यहाँ पे क्या कराना है, आपने पेंटिंग तो हमारी देख ही ली कि कितनी तगड़ी लग रही है, क्या सीन है इसका, ठीक है। और अब क्या सीन है इसका, अब मैंने इसमें 2-3 काम कराए, एक तो फ्लैशर लगवाए हैं ऊपर वाली वो मैं दिखाऊंगा आपको जरा, और एक और चीज़ जो सबसे तगड़ी है वो ये देखो भाई, अब हमें पंजाब जाने की जरूरत ना है, अब पंजाब जाने की जरूरत ना है, हमारी सारी चीज़ें हैं ही होंगी ये, मतलब गुड़गांव में भाई लगा दिया हुआ मैंने ट्रैक्टर की, कोई दिक्कत ना, जिस किसी भाई को कोई भी काम करवाना है तो यहाँ आ जाओ हो जाएगा ट्रैक्टर, ठीक है ना। आपका रिपोर्ट है, आपका रिपोर्ट भाई बहुत सुंदर लग रहे हैं। अब जब इनके आपको आवाज़ सुनाऊंगा भी भाई ये सेटिंग वगैरह बैठा रहे हैं तो मतलब अब बिल्कुल ट्रैक्टर ना जेन्युइन लग रहा है, जेन्युइन। सो गाइस फाइनली अपना सारा काम हो चुका है, तब आ गए जहाज के टायर देखने, ठीक है। तो रोहित भाई क्या सिस्टम कर दिया आज ये, मजा मान दिए। तो भाई मैं कह रहा हूँ आज बिद्दू भाई की मतलब भाई याद आ गई फिर से ना यार, दिल खुश हो गया। तो मिलता हूँ आपको घर पहुँच के थोड़ी देर बाद, रूट्स कवर लगवा दिए, लाइट्स लगवाई हैं दोनों साइड, ये तगड़ी वाली और ये तो है, तो थोड़ी देर मिलते हैं, ठीक है। हिमांशी के ना हमारे रिश्तेदार के हिमांशी को कोई रोल ना है भाई, शौके हो गए हैं बल्ले टीचर, हर बेटा के दोनों ने मेहनत कर रखी है भाई, ऐसी बात मेरे में ऐड हो जाओ। केक काटना है भाई स्पेशल सोनीपत तक, इतनी दूर तक सिर्फ एक केक काटना है, प्यार है कौन सी जगह प्यार है हमारे भिड़ू की के पास। मेरी भाई बहन है जो ये 24 घंटे फोन चलाती है, इसको रिकॉर्ड अगर इनाम देने लगे तो 24 घंटे का रिकॉर्ड तो जीत जाएगी, वैसा है ना। मैं पहले ऐसे काटता हूँ, उसके पास 3 फोन है, आ गया वो 15 प्रो है, दिखाओ है यही है, बढ़िया कांग्रेचुलेशन भाई कांग्रेचुलेशन। अरे काट कूट दो ना, नहीं अभी नहीं काटना, रुको ना, लगा अपना सारे जो बटन लेने जा रहा है, वजह से आए हैं ना उनको एक बार फोन ले दो सबको, थैंक यू। ओहो ये एक्टिंग है, ले लिया
यही तो एक्टिंग है भाई। सही में हमारी बहन बहुत एक्टिंग कर रही है। फॉलो कर दो अभी के भी, सब्सक्राइब कर दो। हमारे रिश्तेदार है, फॉलो करो। हमारी बहन है, फॉलो करो। आ गया So guys, अब अपने ट्रैक्टर को लेके जा रहे हैं घर पे। और भाई ये अपने गांव का माहौल है रात को। भाई वाह भाई, उनकी पीटी का गाना चल रहा है। मिलते हैं कल के व्लॉग में रात 8 बजे। तब तक के लिए एंजॉय योर डे, एंजॉय योर लाइफ। बाय बाय।